कैंट पुलिस ने गुरुवार को एक अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद किया है। कैंट थाने पर घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 24 दिसंबर को लाहौर प्रसाद निवासी हेमदापुर पिपराइज थाने में अपने पुत्र के अपहरण का मुकदमा पंजीकृत करवाया था तथा 20 अप्रैल 2020 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। अंतिम रिपोर्ट के उपरांत अपहरण के संबंध में कैंट पुलिस लगातार सर्विलांस आदि के जरिए जानकारी जुटाने में लगी रही। इसी बीच अपहरण के भाई द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन पर उक्त अपहरण के संबंध में सर्विलांस टीम की मदद से जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया, तो सर्विलांस सेल से जानकारी मिली कि अपहरण का लोकेशन राजकोट गुजरात में मिल रहा है, जिसको देखते हुए थाना कैंट व सर्विलांस की संयुक्त टीम राजकोट गुजरात पहुंची, जहां पर उस लोकेशन के आसपास अपहरण की तस्वीर लोगों को दिखाया तथा अपहरण के संबंध में जानकारी हेतु लोगों से बातचीत की गई, तो ज्ञात हुआ कि अपहरण से मिलता जुलता चेहरा पास के पिज्जा हट में काम करने वाले एक लड़के से मिलती है, जिसको देखते हुए पिज्जा हट की दुकान पर निगरानी की गई तो पिज्जा हट 150 फीट रोड नियर बिग बाजार राजकोट गुजरात में 19 अक्टूबर को अपहृत लड़के को बरामद कर लिया गया तथा पूछताछ में अपहृत लड़के ने बताया कि मैं बीटेक की परीक्षा दे रहा था, जिसमें पेपर खराब होने पर मैं डर गया कि घर वाले डांटेंगे व बुरा भला कहेंगे, इस कारण से मैं डरकर स्कूल से ही कानपुर राजस्थान होते हुए गुजरात चला गया। वहां जाकर मैं पिज्जा हट में 8,300 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर काम करने लगा। एसपी सिटी ने बताया कि लड़के को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया तथा परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद दिया है। बरामद करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल ब्रजेश सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, इसको नीचे कर लीजिए, लगे तो फिर चेहरा तो परेशान में था, चेहरा नहीं पहचाना ना। कि एक 2018 में एक लड़का गायब हो गया था, थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, वो गोरखपुर का रहने वाला था और उस पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था और उनके जो मुकदमा था उस पर उसमें विवेचना की गई। विवेचना के बाद उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी, क्योंकि कोई भी इसमें निष्कर्ष नहीं मिला था, बहुत ही प्रयत्न करने के बाद भी कुछ नहीं मिला था। अभी कुछ दिन पहले उनके जो भाई हैं वो दोबारा कप्तान साहब से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दोबारा प्रयास किया जाए, दोबारा प्रयत्न किया जाए। इस रिक्वेस्ट पे हमने अलग से एक टीम बनाई और जो हमें ये पता चला कि उसके आधार कार्ड पे एक सिम लिया गया है और टेलीग्राम उसका एक्टिव हुआ है अभी कुछ ही दिन पहले। इस जानकारी पर जो है उसका लोकेशन निकाला गया तो राजकोट गुजरात में आया, टीम वहाँ रवाना की गई। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार जी के नेतृत्व में टीम चल रही थी और उसमें हमें फिर उसका लोकेशन मिला तो वहाँ पता चला कि उसकी तस्वीर को आसपास लोगों को दिखाया गया था। पिज़्ज़ा हट में एक लड़का कार्य करता था, उससे उसका हुलिया मिलता जुलता था। उस पिज़्ज़ा हट में 150 फीट रोड नियर बिग बाज़ार राजकोट, यहाँ पे 19/10/2021 को हमने उस लड़के को बरामद किया है, अपहृत को, और उसे वापस लेके आए हैं। उसे बाद में से बात की गई है, पूछताछ की गई है, तो ये बता रहा है कि फाइनल थर्ड ईयर के उसके एग्ज़ाम जो थे अच्छे नहीं हुए थे इंजीनियरिंग के, इसलिए वो चला गया था घर छोड़ कर घर के मारे। पहले वो कानपुर गया, वो बस से गया था कानपुर गया था, फिर राजस्थान चला गया था, राजस्थान के बाद वहाँ विज्ञान नगर में रहा था, फिर अहमदाबाद चला गया था और फिर अहमदाबाद के बाद वो पिज़्ज़ा हट में राजकोट में कार्य कर रहा था। अभी वो बरामद कर लिया गया है और उनके परिवार वालों को हमने सपोर्ट कर दिया और आगे जो है विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।